Hello students, in the last video we have discussed structure of endosperm, its development and its function. In this video we shall be studying development of embryo. Development of embryo ये हमें दो types की पढ़नी है, एक dicot और दूसरा monocot. क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज एंड दिस एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट विच इज अ डिप्लॉइड इन नेचर एंड दैट्स व्हाई एम्ब्रियो इज डिप्लॉइड. ओके, जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ मैच्योर एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ embryo from zygote is known as embryogeny. So दो सबसे important चीजें यहां अब हमने highlight करनी चाहिए कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ये जाइगोट से होती है और जाइगोट ये एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते वक्त माइटोसिस टाइप का डिवीजन करता है. फिर एक मार्क का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में से हो सकता है कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी. एम्ब्रियो डेवलप होता है यानी बेसिकली क्या क्या डेवलप हो रहा है ये समझना जरूरी है. एम्ब्रियो शोज प्रेजेंस ऑफ two distinct parts. One is called as embryo axis. Seed mein part repeat karunga. And other is cotyledon or cotyledons. Cotyledon bola to monocot, cotyledons bola to dicot. Embryo axis in turn shows five different parts. Exactly in the center, it has got first node. At this point, cotyledon or cotyledons are attached. The part of embryo axis above the first node is known as epicotyl. Epicotyl further elongates in the form of plumule. Exactly below the first node, you have hypocotyl, and finally there is presence of a radical. ये हम सब लोग जानते हैं कि radical after germination develops into root system, plumule develops into shoot system. Cotyledon के ऊपर का इसलिए epicotyl, cotyledon के below यानी hypo इसलिए hypocotyl. ऐसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो डाइकॉट में इनिशिएट होता है जाइगोट से, वो कंप्लीटली इनसाइड द ओव्यूल होता है. ये बात हम लोगों को याद रखना जरूरी है. टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स है, आप उसको यूज भी कर सकते हो, बट कुछ सिंपल डायग्राम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं. सी, दिस इज जाइगोट. Every living organism starts its life as a single cell. This is zygote, diploid in nature. इस zygote में होने वाला जो पहला mitotic division है वो transverse plane में हो रहा है और unequal है. बराबर, transverse plane में हो रहा है, अनइक्वल है. दो छोटी बड़ी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है,
जो लार्ज साइज्ड की सेल है उसे मैं बेसल सेल बोल रहा हूं, और जो स्मॉल साइज्ड सेल है उसे मैं अपाइकल सेल बोल रहा हूं या टर्मिनल सेल बोल रहा हूं। दिस टर्मिनल सेल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेल। हमें जल्दी नहीं है। ओके, एंड द लार्जर सेल इज कॉल्ड एज बेसल सेल, और यू कैन से सस्पेंसर सेल। अभी डेवलपमेंट इनिशिएट हुई है। बेसल सेल ये माइक्रोपाइलर एंड पे है, टर्मिनल सेल जो है वो चलाजल एंड की तरफ रहेगी। अब देखो, ये जो टर्मिनल सेल है, जो एम्ब्रियो सेल है, उसके डिवीजन का प्लेन इज डिफरेंट, और बेसल सेल के डिवीजन का प्लेन इज डिफरेंट। पहले हम लोग बेसल सेल की बात करेंगे। बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड प्रोड्यूसेस टू सेल्स। ओके, वन इज स्मॉलर सेल एंड अदर इज लार्जर सेल। अभी मैं सिर्फ साइज से बात कर रहा हूं, बराबर। ये जो बड़े साइज का सेल बना है इसे मैं टर्म देता हूं होस्टोरियल सेल, और ये जो छोटे साइज का सेल बना है इसे मैंने टर्म दिया है सस्पेंसर सेल। अगेन, जो टर्मिनल सेल है, एम्ब्रियो सेल है, उसके डिवीजन का प्लेन लेकिन वर्टिकल है, बराबर। और उसके डिवीजन का प्लेन वर्टिकल होने के वजह से अब ये इस तरीके से दो सेल्स ऊपर बनेगी। ये जो दो सेल्स बनी है ये अब प्रो एम्ब्रियो वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एम्ब्रियो यहां से डेवलप हो रहा है। इस स्टेज पे एम्ब्रियो ये टी शेप्ड दिखने लगता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगेन माइटोसिस कंटिन्यू होगा। अब दोनों टाइप के सेल्स में, दोनों डेरिवेटिव्स में होने वाला डिवीजन ट्रांसवर्स ही है। प्रो एम्ब्रियो वाला पार्ट ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर अब चार सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जिसे मैं टर्म दे रहा हूं क्वाड्रंट। बराबर, सस्पेंसर सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड होगी, डिवाइड होकर 6 to 10 सेल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगी लाइक दिस। सिक्स टू टेन सेल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया, और ये 6 to 10 सेल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है उसकी इस क्वाड्रेंट के पास की सेल छोड़कर, यानी ये वाली सेल, ये सेल छोड़कर बाकी सारे सेल्स ने एक्चुअल सस्पेंसर डेवलप किया, जिसे मैं सस्पेंसर फिलामेंट बोल सकता हूं। और इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे होस्टोरियल सेल, जिसमें अब कोई डिवीजन नहीं होने वाला है, आगे भी नहीं होने वाला है, वो होस्टोरियल सेल एज इट इज है। सस्पेंसर का काम एम्ब्रियो को पुश करना है, कहां तो एंडोस्पर्म की तरफ। आगे के सीक्वेंस में मैं सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा।
अब ये जो क्वाड्रंट है, इस क्वाड्रंट स्टेज में भी हमें अब डिवीजन मिलेगा। ये जो एम्ब्रियो सेल जिसे मैंने बोला या प्रो एम्ब्रियो बोला, ये जो क्वाड्रंट है उसमें डिवीजन होगा, और उसमें डिवीजन होकर अब चार के जगह आठ सेल्स बनेगी। डायग्राम टू डायमेंशनल है, ये बात याद रहे। ये पहले की चार है ही, और इनके नीचे और चार बनी, जिन्हें मैं कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं। बाकी आपके इमेजिनेशन पे है। ये चार सेल्स और बनी, अब चार और चार हो गए आठ। तो क्वाड्रेंट स्टेज से भाई एम्ब्रियो आ गया अब ऑक्टेंट पे, बराबर। सस्पेंसर के नीचे का ये जो सेल है, ये मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, और इस सेल का नाम क्या है? दिस सेल इज हाइपोफाइसिस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आगे। और फिर नीचे सस्पेंसर है ही, उसको बना देते हैं थोड़ा सा। अब जो कुछ भी रोल है वो इस ऑक्टेंट स्टेज का है। ऑक्टेंट स्टेज ये दो और दो चार लेयर्स में, मुझे दो लेयर्स में मुझे मिलता है, चार और चार दो के लेयर्स में। इस ऑक्टेंट स्टेज का जो ऊपर के लेयर का पार्ट है, बराबर, उसे मैं टर्म देता हूं एपी बेसल टायर। ऊपर की चार, स्पेलिंग बराबर देखो, और नीचे की जो चार है उन्हें मैं टर्म दे रहा हूं हाइपोबेसल टायर। और इनके साथ जो अटैच है वो है हाइपोफाइसिस। वापस पहले वाले डायग्राम में आते हैं। ये एपिबेसल टायर हो गया आपका, ये हाइपोबेसल टायर हो गया, और ये हो गया हाइपोफाइसिस। अब इनका आगे क्या होगा? तो ये जो एपिबेसल टायर है, इस एपिबेसल टायर का फेट क्या है, भविष्य क्या है? इसकी सेल्स आगे डिवाइड होकर दो कॉटिलेडॉन्स बनाएगी और प्लूम्यूल बनाएगी। हाइपोबेसल टायर की जो सेल्स है वो हाइपोबेसल टायर की सेल्स दो स्ट्रक्चर्स बनाने वाली है, एक है हाइपोकॉटिल और दूसरा जो है वो है रेडिकल, बराबर। अब एक चीज हमें और याद रखनी चाहिए, हाइपोफाइसिस क्या डेवलप करने वाला है? हाइपोफाइसिस डेवलप करने वाला है रूट कैप। ऑक्टेंट स्टेज की जो सेल्स होती है उनमें पेरिकलाइनल डिवीजन भी होते हैं, मैं डायग्राम पे आने वाला हूं। ऑक्टेंट स्टेज के सेल्स में पेरिकलाइनल डिवीजन भी होंगे, और इन पेरिकलाइनल डिवीजन्स के वजह से इन स्ट्रक्चर के साथ साथ वो कुछ और भी चीजें डेवलप करेगी। जैसे डर्मेटोजेन डेवलप होगा जो आगे चल के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है प्लांट का। मिडल पेरिब्लेम डेवलप होगा जो प्लांट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा। और फिर प्लेरोम डेवलप होता है जो प्लांट के वेस्क्यूलेचर को डेवलप करता है, बराबर। अब आफ्टर सेवरल डिवीजन्स ये जो एम्ब्रियो है, ऑक्टेंट है, इससे ये सारा पार्ट क्या क्या डेवलप होने वाला है वो हमने पढ़ा। इसके बाद ये एम्ब्रियो हार्ट शेप हो जाएगा, बराबर। आफ्टर फ्यू डिवीजन्स, अब मैं सारी सेल्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इनके आउटर बाउंड्री बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। डायग्राम टेक्स्ट बुक में होती है, दुनिया भर के जगह पे अवेलेबल है, बराबर। और अंदर ये सारी पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो यहाँ है, हार्ट शेप में आ गया।
ये हार्ट शेप जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा लाइक दिस, ऐसा। और तब ये समझ लेना कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनने जा रहे, ये आगे चल के कॉटिलेडॉन में डेवलप होने वाले हैं। यानी ये ऊपर का पार्ट बनने वाला है प्लूम्यूल, और नीचे के तरफ यहां आएगा रूट कैप, और यहां से रेडिकल और हाइपोकॉटिल का स्ट्रक्चर बनने वाला है। एट द एंड दिस एंटायर पार्ट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर एम्ब्रियो। उसमें क्या क्या रहेगा? इट शोज प्रेजेंस ऑफ प्लूम्यूल, ओके, पीएल। उसके नीचे जो है वो हो गया एपिकॉटिल। इस फर्स्ट नोड के पार्ट पे ये ऐसे दो कॉटिलेडॉन्स अटैच्ड है। उसके नीचे हम लोगों को मिल रहा है हाइपोकॉटिल, एंड हाइपोकॉटिल फर्दर इलोंगेट्स टू प्रोड्यूस रेडिकल। ये हाइपोकॉटिल है और फर्दर इलोंगेशन जो है उसे मैं टर्म दे रहा हूं रेडिकल। इस तरीके से डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। मेरे हिसाब से ये इनिशियल सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ये फेट ऑफ सेल की जो बात की है यहां पे मैंने, कि फेट क्या है, फेट ऑफ वेरियस सेल लेयर्स, बराबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में। आपको लगता है कि ये डायग्राम इजी है, तो यू कैन ड्रॉ दिस। आई हैव एडेड अ पॉपुलर डायग्राम, बराबर, ये एक पॉपुलर डायग्राम है। ये भी आपको बता सकता है कि कौन कौन से स्टेजेस यहाँ हम लोगों को मिल रही है, इसी टाइप से सीक्वेंस से ये डेवलपमेंट हुई है। जब मैं इसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे आता हूँ, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में डाइकॉट की तरह ही डेवलपमेंट हमें मिलती है, बराबर। ऐसी जो मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम लोगों को मिल रही है, वो भी जाइगोट से ही इनिशिएट होगी, बराबर। वहां पे भी हमें इनिशियली जाइगोट ही मिलेगा। जाइगोट ही माइटोटिक डिवीजन इंडिकेट करता है, माइटोसिस होता है। वहां पे भी हम लोगों को अनइक्वल डिवीजन मिलके अपाइकल सेल, बेसल सेल, ऐसी दो सेल्स मिलेगी, बराबर। अब बेसल सेल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर तीन सेल्स बनाती है, 1, 2 और 3, इस तरीके से। और जो अपर सेल है उसका डिवीजन ये एम्ब्रियो के तरफ हमें लेके जाएगा। ये बेसल सेल ने जो तीन सेल बनाई है उसमें से ये सस्पेंसर सेल है, जो मिडल है वो रूट कैप बनाने वाला है, और जो लोअर सेल है वो आगे चल के बनाएगा रेडिकल, बराबर। जो टर्मिनल सेल थी जिसे हमने एम्ब्रियोनल सेल बोला है, यानी ये वाला, ये एम्ब्रियोनल सेल फर्दर डिवाइड होगी। इस एम्ब्रियोनल सेल में होने वाला माइटोसिस जो है वो दो सेल्स प्रोड्यूस करता है, दिस इज वन एंड दिस इज टू। ये प्योरली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए, ऐसा। नीचे ये सेल्स ऑलरेडी है ही, सस्पेंसर है, रूट कैप है और रेडिकल भी है, बराबर। लोअर हाफ जो है वो लोअर हाफ यानी ये वाला सेल, लोअर हाफ यानी ये वाला सेल, ये लोअर पार्ट ऑफ द कॉटिलेडन डेवलप करेगा। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है, उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। उसका लोअर पार्ट ये लोअर सेल डेवलप करेगा, और जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो है
वो अपर पार्ट, लेकिन यहां अपर पार्ट ऑफ द कॉटिलेडन डेवलप कर रहा, उसके साथ साथ वो हाइपोकॉटिल डेवलप कर रहा, रेडिकल डेवलप कर रहा और प्लूम्यूल डेवलप कर रहा है। बराबर। आने वाले डिविजन्स के बाद रेडिकल अपने ऊपर कोलियोराइजा डेवलप करेगा और प्लूम्यूल जो है वो कोलियोप्टाइल डेवलप करता है। स्लाइट कॉम्प्लेक्स डिवीजन प्रोसेस, बट हमें याद रखनी है, डाइकॉट में जो डेवलपमेंट हुई थी उसे हम लोग क्रूसीफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, ऑनेग्रेट टाइप, क्रूसीफर टाइप, ऐसे इसके नाम है। इसे कैप्सेला बरसा पैस्टोरिस टाइप भी बोला जाता है। जब मैं मोनोकॉट के टोटल सीक्वेंस को देखता हूं तो ये आपके सामने सारा सीक्वेंस है डायग्राम का, आप इसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो और टेक्सटबुक का पार्ट पढ़ के अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो पे 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, डायग्राम पूछी जा सकती है, बराबर। छोटे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। अगला टॉपिक विल बी रिलेटेड विथ सीड, फ्रूट एट्सेट्रा।